स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज का प्रसंग श्रवण किया। आज के प्रसंग में आप जो है स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज के शिष्य श्री राधा शरण देव जी महाराज और राधा शरण देव जी महाराज के शिष्य श्री सहसी शरण देव जी महाराज जिन्होंने श्री ललित प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की। बोलो श्री सहसी शरण देव जी महाराज। अपने नित्य लीला प्रवेश के पूर्व श्री स्वामी राधा शरण देव जी महाराज ने और संतों के लिए आज्ञा दी थी जो महाराज के पास थे, क्योंकि श्री सहसी शरण देव जी महाराज तो जो है मध्य प्रदेश में थे, बुंदेलखंड थे, तो ऐसा प्रतीत हुआ महाराज को अब हमको जो है शरीर को छोड़ना है। तो उससे पहले ही महाराज ने आज्ञा कर देनी कि यहां आचार्य गद्दी पे श्री सहसी शरण देव जी विराजमान होंगे, हमारे शिष्य यानी श्री राधा शरण देव जी महाराज के शिष्य सहसी शरण देव जी महाराज, उनके लिए महाराज ने आज्ञा करी। श्री सहसी शरण देव जी महाराज स्वामी राधा शरण देव जी महाराज के साथ विशेष जो है बुंदेलखंड में भ्रमण करते रहे थे और आपकी आज्ञा से ही और पनिहारगढ़ में निवास करने लगे, भजन साधना वहीं विशेष करने लगे, कभी वृंदावन आ जाते कभी वहां चले जाते। दंपत्ति संपत्ति शरण नाम के दो शिष्य, पहले भी आपने नाम सुना है, महाराज के महल गवन के जैसे ही पश्चात ही उन्होंने तुरंत जो है महाराज के पास सहसी शरण देव जी महाराज के पास खबर करी और वृंदावन आए पत्र को पाते ही और गुरुजी के गृह में अति व्याकुल रहे और दल्लान बाग में और श्री राधा शरण देव जी महाराज की समाधि बनाई और सभी संत महापुरुषों ने एक सुयोग और उत्तराधिकारी समझ के चैत्र शुक्ला अष्टमी संवत 1878 को
तटिया स्थान की महंत गद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया। बोलो स्वामी जी। पूर्व नाम श्री सहसन शरणदेव जी महाराज का पूर्व नाम सखाराम था। मूल नाम सखाराम था, लेकिन गुरुदेव जी की कृपा से और जो है सहसी शरण नाम प्राप्त हुआ। जिस समय सहसी शरण जी यानी सखाराम जी श्रीधाम वृंदावन में आए, उस समय उनके परम श्री गुरुदेव श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज अपने शिष्य श्री राधा शरण जी से कहा कि ये एक और छोटी सखी आई है, याकू अपनो शिष्य कर, ये तो सखी है, सखी शरण याको नाम है। बोलो सखी शरण देव जी। ये कौन है? श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज ने पहले ही आज्ञा कर दी नहीं, इसलिए सखी शरण भी कहते और सहसी शरण भी कहते। तटिया स्थान की मान्यता के अनुसार ठाकुर जी का देहावसान श्री ठाकुरदास जी विराजे, क्यों ललित मोहिनी देव जी महाराज के बाद में चतुरदास जी ठाकुरदास जी, तो ठाकुरदास जी का देहावसान के संबत 1768 में हो गया था। स्थान की महंत गद्दी अधिक काल तक विरक्त महापुरुषों के बिना रह नहीं सकती थी, खाली नहीं रह सकती थी, अतः समस्त संतों ने सर्वमति से श्री स्वामी राधा शरण जी को इस पद के योग समझकर उन्हें पन्हारगढ़ से बुलवाया, जहां वे गुरु आज्ञा से निवास कर रहे थे। वृंदावन आने पर उन्हें गद्दी पर विराजमान कराया था। इस प्रकार उनकी मेहनताई की अवधि 10 वर्ष की थी। कौन की? श्री राधा शरणदेव जी सहसी शरणदेव जी महाराज की गुरुदेव थी। मेहनत 10 वर्ष तक करीब करीब रहे। सहसी शरणदेव जी महाराज का जन्म मूलतः कश्मीर में हुआ, क्योंकि ये चरित्र कौन का है? सहसी शरणदेव जी महाराज का जन्म कश्मीर में हुआ, ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता कश्मीर के अवंतीपुरी नामक स्थान के निवासी थे। ये देवी के उपासक थे और इन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। तो कश्मीर और पंजाब दोनों से इस परिवार का निकट का संबंध बना रहा। बाद में पंजाब में भी रहे, यानी बाबा भी पिताजी भी पंजाब में भी रहे, कश्मीर में बराबर संबंध बना रहा। सहसी शरणदेव जी महाराज के पिताजी का नाम था शिखर राम नाम था पहले ऐसे नाम, तो शिखर राम था, और सखा राम अभी जो बताया श्री सहसी शरणदेव जी महाराज का नाम था। शिखर राम के पुत्र सखा राम अर्थात सहसी शरण का जन्म 1830 में माना जाता है, संबत विक्रम संबत 1830 में। अपने पैतृक निवास में जो देवी के मंदिर के निकट ही था, क्यों कभी बताया है कि पिताजी देवी के भक्त थे, तो उनका पैतृक निवास भी घर भी देवी के मंदिर के पास ही था। बालकपन से ही बड़ी तीव्र बुद्धि थी, अनेक प्रकार की जो है सिद्धियों की झलक सहसी शरणदेव जी महाराज के श्री अंग में होती थी। बच्चों के साथ खेलते हुए बालकपन में सहज स्वरूप से कहीं जाने वाली बात
कहीं आने वाली बात सहज ही कभी कभी बताया करते थे, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे कि छोटा सा बालक और जो सच्ची बात कह देता है और वो ही होता है जो कह देता है, ऐसा देखने को मिलता था। पड़ोसी माता पिता सभी आश्चर्यचकित होते थे। बहुत छोटी आयु में जब सखाराम केवल 7-8 वर्ष के थे, इनकी माता का देहांत हो गया और पिता अधिकतर देवी की उपासना में रहते थे। बोलो भैया जी महाराज, पहले से रंग लगा हुआ था पारिवारिक, और बालक सखाराम इधर उधर घूमता रहता था क्योंकि माता जी मर गई, अब पिताजी इतना जो है संभाल नहीं कर पाते बेचारे। ऐसे एक दिन कुछ विचित्र घटना घटी कि सखाराम को सोते सोते देवी के दर्शन भाई, सखाराम को देवी के दर्शन हुए, परंतु वे दर्शन कैसे थे, अति भयावने थे, भयानक। सखाराम ने ये निश्चय कर लिया कि आगे से वे कभी भी देवी के मंदिर नहीं जाएगा। बोलो यार जी, सखाराम जी क्या निर्णय हुआ कि अब मैं कभी भी देवी के मंदिर नहीं जाऊंगा। भयंकर दर्शन हुए, हरी कृपा। लेकिन सखाराम जी के पिताजी निरंतर देवी की उपासना में लीन रहते थे। श्री सखाराम जी को पिताजी से भी चिढ़ हो गई, उनसे भी चिढ़ हो गई कि ये देवी की उपासना क्यों करते हैं। जब सखाराम जी 10 वर्ष के थे, तब साधुओं की एक संगत के साथ बिना घर में किसी को बताए उनके साथ ही चले गए। साधुओं के मना करने पर सखाराम उस संगत से बहुत दूर चला जाया करते थे, जैसे कि कहीं भी वो संगत रुकती थी डेरा साधुओं का, साधुओं के संग तो चले गए लेकिन वहां साधुओं की संगति में ही कोई अच्छी कथा वार्ता होती तो विशेष आनंद उसमें तो बैठते, और बाकी जो है इधर उधर भ्रमण करते, आसपास खेतों में चले जाते, अकेला बैठना ज्यादा पसंद करते थे, चिंतन करते जो भी बनता। अंत में साधुओं का यह दल भ्रमण करता हुआ वृंदावन आ पहुंचा। बड़ो वृंदावन धाम, और वृंदावन की जिस जीव पे कृपा हो जाए, एक बार भी जो वृंदावन आ जाए महाराज समझो उसके तो भाग्य जन्म जन्मांतर के भाग्य खोए। तो सहज संतों के साथ संत जहां तक भ्रमण करते हैं तो वृंदावन भी आए कृपा करके, तो वृंदावन में उनके साथ ही सखाराम जी भी आए। यहां विशिष्ट संतों ने देखा कि यहाँ कोई कश्मीरी साधु, क्यों कश्मीर का जन्म था सखाराम जी का, यहाँ कोई कश्मीरी साधु मिल जाए तो उनके संग सखाराम को कर दें, क्योंकि आपस में थोड़ा जन्मभूमि एक जगह की होने से थोड़ा प्रेम प्रीत रहेगी। ऐसी खोज विशिष्ट संतों ने करी और यही हुआ, कश्मीरी साधु सखाराम को साथ लेकर उस समय हरिदासी संप्रदाय के व्रत आचार्य श्री ललित मुनि जी के निकट ले गया। तो कश्मीरी साधु मिल गए एक, जिनका कश्मीर में जन्म था, और वो कश्मीरी साधु सखाराम जी को वर्तमान में उस समय विराजमान श्री ललित मुनि देव जी महाराज के चरणों में जाके बिठा दिया। बोलो श्री ललित मुनि देव जी सखाराम जी को। श्री ललित मुनि देव जी महाराज ने बालक से वार्ता करी मीठी मीठी, और महाराज ने सखाराम की बातों को सुनकर उसकी बुद्धि का परिचय ले लिया, उसकी निष्ठा का परिचय ले लिया कि वास्तव में इसकी निष्ठा कहाँ है। उस समय सखाराम जी की उम्र
ग्यारह वर्ष की थी। श्री ललित मोहन देव जी महाराज बड़े सिद्ध संत और व्यवहार कुशल भी थे। जानते थे कि 11 वर्ष के इस बालक की उम्र है और धार्मिक संस्कार इसको अगर नहीं मिलेंगे तो ये जो है जगत के विशेष संस्कारों में पड़ जाएगा। इसलिए महाराज ने बड़ी कृपा करी और समझ लिया कि इस बच्चे को ऐसे संत के संरक्षण में देखरेख में रखा जाए कि बराबर इसको सत्संग प्राप्त होता रहे, क्योंकि उत्थान का मूल उपाय सत्संग ही है। बिन सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के कुछ नहीं होता है। काऊ भाग मिलो सत्संग ताके सेवत लागे, किसी भाग से जीव को सत्संग प्राप्त होता है तभी कोई बात जीवन में बनती है। तो या प्रकार से ललित मोहन देव महाराज ने कृपा करके श्री राधा शरण देव जी महाराज भी कश्मीरी भट्ट ब्राह्मण थे। श्री ललित मोहनी देव जी ने उन्हें बुला के और बालक को दीक्षित करने का आदेश दिया कि हे राधा शरण, तुम या को दीक्षित करो। बोलो श्री राधा शरण देव जी। दीक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति, उस समय परंपरा थी, रीति थी छठिया स्थान की, कि जिसके पास दीक्षा नहीं है उसको स्थान में रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और जहां तक उस समय सभी स्थानों में ये परंपरा थी कि जो दीक्षित नहीं है, अवैष्णव है, उसको संतों के बीच में नहीं रोका जा सकता है, ऐसा क्रम था। इसीलिए सखाराम की दीक्षा भी जरूरी थी। उसी समय श्री ललित मोहनी देव जी ने इस बालक का नाम सखाराम से सखी शरण सहचरी शरण रख दिया, सखी कहके पुकारा सहचरी शरण। श्री ललित मोहनी देव जी महाराज ने जो है राधा शरण जी से और दीक्षा दिलवाई, और कश्मीरी ब्राह्मण दोनों होने के कारण दोनों की एकता भी रहती थी, एक जगह की जन्मभूमि। इस उद्देश्य से वो महाराज ने जो है राधा शरण जी से दीक्षा दिलवाई। बोलो बिहारी जी। सहसे शरण देव जी का शिष्य होने का संबत 1841 माना जाता है, विक्रम संवत 1841। श्री राधा शरण देव जी महाराज के पश्चात, पूर्व प्रसंग में आप राधा शरण जी की चर्चा सुन चुके हैं, श्री राधा शरण देव जी महाराज के पश्चात टटिया स्थान के महंत पद को 16 सालों तक सुशोभित करते हुए श्री सहसिंह शरण देव जी महाराज, और 1894 में संबत 1894 में, जैसे अब चल रहा है 2075, तो विक्रम संवत 1894 में नित्य निकुंज महल में प्रवेश कर गए। बोलो बिहारी जी महाराज। श्री सहसी शरणदेव महाराज की रचना, क्योंकि ये महाराज का जो चरित्र बखान कर रहे हैं अल्प रूप में कर रहे हैं, बृहत रूप में नहीं, एक संकेत मात्र कि हमारे आचार्य प्रवर आचार्य गद्दी पे पदासीन, तो वो महाराज कितने समय कैसे कैसे कहां से आए, क्या जन्म, कौन से संबत में, केवल संकेत मात्र। तो महाराज की रचना क्या थी? श्री सहसे शरणदेव जी महाराज की रचना, कौन कौन सी ग्रंथों की रचना करी महाराज ने, पूर्व आपको प्रसंग सुनाया
आचार्य चरित्र सुनाया वो श्री ललित प्रकाश के माध्यम से सुनाया और श्री निजमज्जू के माध्यम से सुनाया। तो श्री ललित प्रकाश जो ग्रंथ है जो सहसी शरणदेवी महाराज का ही रचित ग्रंथ है। एक है गुरु प्रणालिका, एक है अष्टाचारों सब सूचन का, और एक है श्री बिहारी जी का नक्षिक ध्यान, और एक है वचन का सिद्धांत की टीका। वचन का सिद्धांत की पद्य में टीका है, चौपाई छंद में टीका करिए महाराज ने। एक है सरस मंजावली। इस प्रकार से अपने जीवन काल में भजन परायण रहते हुए श्री स्वामी शशि शरणदेव जी महाराज ने छोटे बड़े इन छह ग्रंथों की रचना की। बोलो स्वामी यो। जो ललित प्रकाश की रचना जो की है वो संप्रदाय के लिए और स्वामी जी के आश्रित जनों के लिए वो आधार प्राप्त हुआ है कि सरस जैसे निजमत जी में और उसी प्रकार से ललित प्रकाश में स्वामी जी को, स्वामी जी के स्वरूप को और आद्याद आचार्यों के स्वरूप को ललित प्रकाश के माध्यम से हम लोग जान पाए हैं। बोलो श्री सखी शरण जी महाराज की जय। श्री ललित प्रकाश जी की जय। बात क्या है कि महापुरुष लोग हमारी स्वामी जी महाराज की उपासना में जहां तहां से आए, लेकिन यश कौन का गाया जाता है जिन्होंने एकमात्र स्वामी जी के धर्म को समझा, और जिन्होंने धर्म को समझा वो ही गद्दी पे विराजमान किए, जिन्होंने धर्म को नहीं समझा वो गद्दी पे विराजमान नहीं हुए। ये स्वामी जी महाराज की गद्दी नित्य सिद्ध महापुरुषों की गद्दी है और यहाँ पर नित्य सिद्ध ही विराजमान होते हैं, इनके माध्यम से अनंत लोगों का कल्याण होता है। तो सहसी शरणदेव जी महाराज ने अपने ललित प्रकाश के माध्यम से अनंत जीवों का अथवा स्वामी जी के अनुगत दासों का साहस बढ़ाया और स्वामी जी की जो गूढ़ वस्तु थी, गूढ़ जो है सिद्धांत था, वो सबके सामने रखा। बोलो यारी जो। अब ये प्रसंग हम लोग कहते सुनते हैं इसलिए कि आचार्यों की प्रणाली, हमारे आचार्यों का रहन सहन कैसे कैसे रहे, कैसे कैसे आए, कि उनकी जब श्री लक्ष्मी महाराज कहते हैं कि भैया तुम्हारे साधन में कभी भी ढील आवे, तुम्हारे साधन में कभी ढील आवे तो बड़ों की रहनी विचारना। अगर बड़ों की रहनी नहीं विचारेंगे तुम तो तुम्हारे साधन की ढील कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए बड़ों की रहनी विचारना और विचार विचार के आगे अपनी उपासना में चलना, तब ही साधन पुष्ट होता है। महाराज श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज ने कहा है, पूर्व चरित्र में आपने सुना था कि उनकी रहनी रीति सर्प को उपदेश दिया, यानी सर्प को कंठी बांधी, उधर जो सिंह को कंठी बांधी, सर्प को भी मंत्र दिया सियादास नाम जाप कर, उधर जो सिंह को भी मंत्र दिया कि सियादास नाम जाप कर। तो ये महापुरुष लोग ऐसे दिव्य होते हैं, मनुष्य की तो बात छोड़ो, ये जो है पशु पक्षियों को भी
ठाकुर से मिलाने वाले हो जाते हैं। इनके दर्शन मात्र से जो है सभी संसार का कल्याण होता है। एक पद में कहते हैं श्री भगवद्र सिद्ध जी महाराज, आवे जो सोचून कौन जहां जइए तहां चून, दियो चून चश्मा चखन भक्ति भाव भयो नून, भक्ति भाव भयो नून साधु को रूप न सूझे, रहे मान मद बूढ़ और की और बूझे। हरि गुरु साधु बिहाय आपने प्रभुता गावे, भगवत श्यामा श्याम कहोर कैसे आवे। महाराज बोले कि भैया इन संत महापुरुषों के चरणों में अपना आश्रय बनाएंगे तभी कोई बात बनेगी। लेकिन होता क्या है, संत महापुरुषों के पास आते हैं तो क्या बात लेके आते हैं, आवे जो सो चून को। चून का मतलब संसार की चर्चा करते हैं, महाराज हमारा ये नुकसान है कि ये फायदा है कि ये है, वस्तु के प्रति कि हमको महाराज बिहारी जी स्वामी जी कैसे मिलेंगे, इनके चरणों में हमारा मन कैसे लगेगा, इस चर्चा को नहीं करते हैं। संसार की चर्चा को लेके बैठते हैं। तो महाराज बोले आवे जो सो चून को, जहां जाइए सचून, और जहां जाते भी हैं तो वहां वही जो है व्यवहार की चिंता मिलती है, व्यवहार की चर्चा मिलती है। बियो चून चश्मा चखन भक्ति भाव भयो नून। महाराज बोले हम देख रहे हैं लोग बाबों को, भक्ति भाव को तो एक नून शरीर के जैसे आटे में नून ऐसे ले रहे हैं, और व्यवहार की बातें अधिक करते हैं तो ये वस्तु प्राप्त नहीं होगी। इस तरीके से व्यवहार को ऐसे रखो जैसे आटे में नून, नून की जगह पे व्यवहार को रखो और चून की जगह पे परमार्थ को रखो। बोलो व्याजी जी, तब बात बनेगी। तो दियो चून चश्मा चखन भक्त भाव भयो नून। श्री बिहारेन्द्र जी महाराज तो ये कहते हैं कि भैया कहूं जिन जाओ निभाए पने, व्यवचारिन को संग दुख दहे, जुप पाप के लाख टका चलो छाण, पांच टकारन कौन गहे। अगर नित्य वस्तु भैया चाहिए तो कहूं मत जाओ, एकमात्र एक निष्ठ, एक आस एक वास कर एक ही इष्ट उपास, बिहारी दास अनन्य बड़ो भजन विश्वास। एक ही आस एक ही बास एक ही इष्ट अनन्य मत। तो कहूं जिन जाओ निभाए पने, व्यवचार इनको संग दुख दहे, युप बाप के लाख टका चलो छाण, तो पांच टका। अरे बाप ने तो एक लाख टका दी, उदाहरण दिया महाराज ने, उनको छोड़ के तो पांच रुपए इनके लिए नाना नाना प्रकार के सम्मान या कोई भी धन के लोभ से कहीं इतनी भागदौड़ कर रहे हो। अरे बिहार जी महाराज के सुख पे, बिहार जी महाराज की कृपा पे भरोसा करके और अनन्य भाव से भागदौड़ मत करो, अनन्य भाव से अपने जीवन को बिता दो। बोलो बिहारी जी। तो भक्त भाव है नून साधु को रूप न सूझ है, जो व्यवहार में अधिक मन देते हैं उनको फिर साधु का असली स्वरूप नहीं दिखता है, उनको तो यही दिखता है कि इन संत के पास कितना वैभव है तब तो इनके पास बैठे। अगर वैभव नहीं है और कोई जानता नहीं है ढंग से, दुनिया में प्रचार नहीं है तो इनके पास बैठ के क्या करें। तो साधु को रूप न सूझे, रहे मान मद बूढ़ और की और बूझे। अपने मान मद में बूढ़ा रहता है, उसी आवेश में संसार के आवेश में रहता है ये प्राणी, क्योंकि संत संगति का रंग प्राप्त है। व्यारिंदी जी महाराज कहते हैं, बताते रहते हैं सबको कि बिहारी दास सत्संग को रंग लगे जो ना है, सत्संग का रंग जिसको नहीं लगा है, हंस वश दूधे पे बेखल मैल कलीली का। तो रहे मान मद बूढ़ और की और बूझे,
हरि गुरु साधु बिहाय आपनी प्रभुता गावे। हरि गुरु और साधुओं को छोड़ के और ये अनभिज्ञ प्राणी क्या करता है, अपनी प्रभुता गाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वो ऐसे में वहां गया था, ये नाना प्रकार की अपनी प्रशंसा। अब संतों के आगे जब अपनी प्रशंसा अथवा व्यवहार की बातें जब करता है तो बड़ा अनखनाट होता है जीव से। ललित किशोरी देव जी महाराज वचन का सिद्धांत में कहते हैं कि निष्कामी स्वभाव हरि को भी अच्छा लगता है और संतों को भी अच्छा लगता है। कोई निष्कामी आवे तो उससे संत महापुरुष जो वास्तव में संत महापुरुष हैं उनके हृदय में आनंद होता है, और ये सकामी आवे वो भारी लगता है, ठाकुर को भी और संतों को, दोनों का स्वभाव एक सा है। हाँ कभी जब भी कोई चर्चा कोई सामान्य तरीका से कर लेनी गुरुजनों से, बाकी एकमात्र व्यवहार की चर्चाओं में नहीं रहना चाहिए। व्यवहार की चर्चाओं को तो संसार में करो, करना है तो रसिकों के पास, गुरुजनों के पास, तो एकमात्र विशेष परमार्थ की चर्चा करनी चाहिए। बोलो हरि जू। तो हरि गुरु साधु बिहाय आपनी प्रभुता गावे, भगवत श्यामा श्याम कहो और कैसे आवे। और तो और महाराज निंदा ही करने लग जाते हैं। व्रक्त भेषधारियों को भी देखा है, व्रक्त भेष ले लिया है, लेकिन संगति अच्छी न होने के कारण भेषधारी हरि के उर साल है। श्री भगवत सिद्ध जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भेषधारी हरि के उर में दर्द करते हैं। देशधारी हरि के उर साले, लोभी दंभी कपटी नट से शिशनो दर को पाले। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे और परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन यूं क्यों खेचे। आदि आदि श्री भगवत सिद्ध जी महाराज ने कहा है कि देशधारी हैं, भेष ले लिया है व्रत, लेकिन अनन्य जनों का और जिनकी रहनी परिपक्व है, एकमात्र बिहारी बहन के मिलने की आशा है, उसी आशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं किया है तो भेष लेने के बाद भी वो अलग थलग ही रह जाते हैं। तो महाराज बोले भगवत श्यामा श्याम कहो और कैसे आवे। अरे बावरे, जब तेने संगति नहीं करी बड़ों की, बड़ों के चरणों में नहीं बैठा, उनसे सत्संग प्राप्त नहीं किया, तो कहो और कैसे आवे। श्यामा श्याम तेरे हृदय में कैसे आ जाएंगे, तेरे हृदय में तो बराबर संसार ही भरा रहेगा। बोलो हरि जी। ऐसे आचार्य प्रवर यानी रसिक प्रवर श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से भगवत श्यामा श्याम कहो और कैसे आवे। ये श्यामा श्याम हृदय में कैसे आएंगे अगर हम व्यवहार में ही रहे आएंगे। इसलिए श्री वचन का सिद्धांत में भी आप वर्णन कर चुके हैं कि साधन पूर्ण सिद्धांत में व्यवहार रखें। अगर हमको व्यवहार भी रखना है कहीं, तो उस तरीके से व्यवहार निभाना है कि हमारे साधन में कमी नहीं आनी चाहिए। किसी साधन में कमी आती है हमारे और तरीके के व्यवहार से, तो वो व्यवहार अच्छा नहीं है। करे भजन में अंतरो तिन सो कीजे बेराज। अगर हमारे भजन में अंतर होता है व्यवहार निभाने से, किसी विशेष व्यवहार निभाने से, तो समझना चाहिए, समझना चाहिए क्रम से, क्योंकि थोड़ा भी अंतर होता है फिर ज्यादा अंतर होने का भय रहता है, इसलिए सावधान रहे। बोलो बिहारी जू। क्षण प्रतिक्षण हमेशा बिहारी बहन का चिंतन, नाम जाप और अच्छा संग, सावधान रहे। बोलो बिहारी जू। आज का प्रश्न।
मन मेरी भरी ले श्री कुंज बिहारी, मन मेरी भरी ले श्री जय जय श्री हरिदास, जय जय